बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है खतीजा की रसोई में। आज मैं नाश्ते के लिए खोपरे की चटनी और प्लेन डोसा लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। और वीडियो में चलिए हम देख लेते हैं इसका रेसिपी कैसे बनता है। और पर इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए और लाइक दबाइए। आइए देख लेते हैं हम चटनी का रेसिपी कैसे चटनी बनता है। ये हमने एक आधा कच्चा नारियल लिया है और ये थोड़ा कोतमीर लिया है और ये चार पांच जवे लहसुन के हैं और ये अदरक है जो एक छोटा टुकड़ा उसको बारीक काट लिया है, पांच छह हरी मिर्च है और ये फुटाना है भुना हुआ चना एक कप, चाय का एक कप है इसको ले लिया है। और ये सब पूरा हम ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये हमने पेस्ट बना लिया है, थोड़ा पानी डाल लिया है, पतला कर लिया है पानी डाल के। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का, देख लेते हैं तड़का कैसे लगाते हैं। ये हमने पैन चढ़ा दिया है, इसमें तेल डाल दिया थोड़ा, दो टेबल स्पून तेल डाल दिया है। गरम हो जाए अच्छी तरह से, गरम कर लेंगे थे ये तेल गरम हो गया, हमने गैस बंद कर दिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा मस्टर्ड, चटनी रेडी हो गया है। अब हम चिला बनाएंगे। ये हमने रेडी इडली बैटर लेके आया है, अब इसका बनाएंगे झटपट नाश्ता जब टाइम नहीं है तो ऐसा रेडी बना। पैकेट हम धो लेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, गंदा रहता है। और इसमें भी हमने काट के अब एक बर्तन में डाल लेंगे। ये हमने पूरा निकाल लिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, अंदर बहुत लगा रहता है, पानी डाल के हिला के डाल लिया है। थोड़ा पतला कर लेंगे और अच्छा कल एक चमचे से, अच्छा गोल चमचे से मिक्स कर लिया है हमने पूरा, पानी सब मिक्स हो जावे पूरा अच्छी तरह से। और हमने ये तवा चढ़ा दिया है, तवे में थोड़ा तेल लगा दिया था, लगा के कपड़े से टिश्यू पेपर से फैला लिए थे। और अब हम इसमें एक चम्मच वो डाले हैं बैटर और इसको इस तरह से हिला के फैला लेंगे, तवा के उससे मदद से फैला लेंगे चारों तरफ से एक साथ से। अब हम ये ढक्कन से बंद कर दिया हमने, हाँ दो मिनट बंद था, स्टीम आ गया है अच्छा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, अब देखिए पूरा लाल हो गया है। अब ये स्पैचुला के मदद से सब चारों बाजू से निकालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, देखिए निकल चुका है। अब इसको पलट देंगे, थोड़ा पलट के भी सेक लेंगे। हो गया है हमारा डोसा तैयार है, क्रिस्पी एकदम डोसा तैयार हुआ है, देखिए खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह से नाश्ता बनाए झटपट। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।